हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने बेसिक इंट्रोडक्शन करी थी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में। वहां मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? वो एरिया, वो स्पेस अराउंड ए गिवन मैग्नेट जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज होता है। और किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर बतानी हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जा रही है उस पॉइंट पे वहां टेंजेंट ड्रा कर दो, तो वो टेंजेंट हमें उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देता है। यहां तक हमने किया था। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर है तो हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर पहले एक लगा देते हैं, एक सर्किट बना देते हैं हम। ये देखो, यहां मैंने एक सर्किट बना दिया, यहां वोल्टेज दे दी, इसको एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब जैसे ही सर्किट क्लोज होगा करंट जाने लग जाएगा, इस डायरेक्शन में करंट जाने लग जाएगा। अब इस कंडक्टर को ले लेते हैं हम, इस वायर को ए बी। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, मैग्नेटिक कंपास को इसके पास लेकर आए। मैग्नेटिक कंपास को मैंने तुम्हें बता रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड चेक करने के लिए यूज होता है कि कौन से रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, कौन से रीजन में नहीं है। तो जैसे ही मैग्नेटिक कंपास को इसके पास लेकर आए, ये मैग्नेटिक कंपास है, इसमें क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो हमेशा अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं। बट इसके पास जैसे ही लेकर आए, ये वाले जो इसकी नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगी एक डायरेक्शन में, से इस डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट हो गई। तो इसका क्या मतलब है कि यहां पर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से इसकी नीडल पे फोर्स लगा और ये डिफ्लेक्ट हो गई। तो वहां से हमने कंक्लूजन निकाला कि कोई भी करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, तभी तो इस पर फोर्स लगा। तो जब ये चारों तरफ अपने फील्ड बना देता है करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर, तो इसका मतलब है करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसी को ही बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। व्हेन करंट पास थ्रू ए कंडक्टर then it produces magnetic field around it, so current carrying conductor behaves as a magnet, this is called magnetic effect of current। चलो अब हमें यहां तो पता लग गया magnetic effect of current के बारे में, अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे magnetic effect due to a straight conductor, due to a स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, बट हम पढ़ेंगे स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में अभी। तो स्ट्रेट कंडक्टर में देखो, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड मैं तुम्हें बताता हूं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ मैंने तुम्हें बता रखी है कि कितनी स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड, वो बताता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम बी से डिनोट करते हैं, या सिंपल इसको मैग्नेटिक फील्ड ही हम बोल देंगे। तो ये बी, और इसके यूनिट होते हैं, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, टेस्ला, और उसका सिंबल है कैपिटल टी। अब मतलब इसमें यहां हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब सपोज मैं अगर पता करना चाहूं ये पॉइंट पी है, यहां पर बी की वैल्यू कितनी होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहां पर कितनी होगी। तो देखो, सपोज ये जो पी पॉइंट है, यहां से इधर तक नॉर्मल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वायर से इसका आर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस पे डिपेंड करेगा। नंबर वन लिखोगे तुम, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
करंट थ्रू द वायर। इसमें से करंट जितना ज्यादा जाएगा, जितना अमाउंट करंट का ज्यादा होगा, उतनी ही यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग होगी। तो तुम पहले स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लोगे, उसके बाद मैथमेटिकल की फॉर्म में लिख दोगे। द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द कंडक्टर। सेकेंड पॉइंट तुम लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। यहां से इस पॉइंट के बीच में जो नॉर्मल डिस्टेंस है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्यों? आर की वैल्यू मान लो यहाँ 2 मीटर है, तो कुछ यहाँ की बी की वैल्यू होगी 2 से जब हम 4 मीटर थोड़ा और दूर चला जाएंगे, आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब बी यहाँ पे कम हो जाएगा। जितना हम वायर से दूर जाते रहेंगे, उसकी स्ट्रेंथ कम होती रहेगी। तो ये तो आ गया स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में। तुमने ये दो फैक्टर्स लिखने हैं। वैसे एक्चुअल में इसका फॉर्मूला होता है, अगर ये बहुत लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है तो बी की वैल्यू होती है म्यू नोट बाय 4π 2i/r। ये इसका एक्सप्रेशन होता है किसी भी पॉइंट पे बी की वैल्यू निकालने के लिए। ये इसका एक्सप्रेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो तुम्हें सिर्फ यही याद रखना है। तो यहाँ पे जो म्यू नोट बाय 4π है, ये कॉन्स्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 10^-7। सपोज तुम्हें क्वेश्चन आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट विच इज एट ए नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग करंट 2 एम्पियर। हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ किसी पॉइंट पे जो कि नॉर्मल डिस्टेंस 1 मीटर दूर है वायर से, और वायर में करंट जो 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो देखो हम इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। बी म्यू नोट बाय 4π तुमने हर बार 10^-7 पुट करना है। आगे क्या है, 2। आई की वैल्यू हमें गिवन है 2, और यहाँ पे आर की वैल्यू हमें गिवन है 1। बस यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 4×10^-7 टेस्ला। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स भी हमारे सोल्व हो जाएंगे। अब आगे बात आई कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे हमने बार मैग्नेट के लिए ड्रा किया था पैटर्न, वैसे ही अब देखते हैं स्ट्रेट कंडक्टर के जो अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका पैटर्न कैसा होता है। देखो सपोज मैंने यहां पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, आई बाकी का सर्किट मैंने अभी ड्रा नहीं किया तुम हमें, क्योंकि सिर्फ इसी वायर से ही लेना, इसी वायर से ही काम है। तो इसमें देखो यहां पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसके लिए देखो मैं एक शीट ड्रा करता हूं। ये जो शीट है ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन में, जिस प्लेन में ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। जैसे यहां पे मैंने दिखाया है, ये जो शीट को मान के चलो, जो हमारा प्लेन है, प्लेन का क्या मतलब, जैसे ये बोर्ड है हमारा, ये पूरा एक प्लेन है। तो जो सा ये शीट मैंने ड्रा की है, शीट भी एक प्लेन है, शीट इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। ये जो शीट है आधी इस बोर्ड के अंदर है, आधी इस बोर्ड के बाहर है। जैसे एक्स वाई जेड, ये 3 एक्सिस होती है। यहां जेड जो होती है हम ड्रा ऐसे करते हैं, पर उसका मतलब क्या होता है, ये जेड है तो बिल्कुल अगली तरफ, तो वही बात है, ये जो शीट है ये अगली तरफ। जैसे तुम मान के चलो ये मेरा हैंड है, ये शीट है, ये ऐसे शीट पड़ी है जैसे मेरा हैंड है, और करंट कैरिंग कंडक्टर बिल्कुल मेरे हैंड में के बीच में से जा रहा है और बाहर को निकल रहा है। करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, और जो मेरा हैंड हो गया वो शीट है, वो दिखने में ऐसी लग रही है पर है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी पॉइंट पे, वो होती है कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। ये एरो का मैं तुम्हें बताऊंगा किस डायरेक्शन में लगाना है।
मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनती है। सर्कन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल्स बनते हैं जिन सबका सेंटर सेम है, ऐसे सर्कल्स को बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो ये सर्कल्स जितने बनते जाएंगे, जितने बड़े बड़े सर्कल्स आगे बनते रहेंगे उतने ही उनके बीच में स्पेसिंग भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वीक होती रहती है जैसे इस कंडक्टर से दूर जाते रहते हैं। अब तुम्हें समझ आ गया, जैसे यहां से करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है इसका पैटर्न है, मेरे हैंड के ऊपर सर्कल्स बनेंगे अगर कंडक्टर बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो अब देखो, अगर ये जो करंट कैरिंग वायर है या कंडक्टर है वो उसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा होता, तब भी हम किसी पॉइंट पे अगर बनाते वो भी कंसेंट्रिक सर्कल्स ही बनते, बट अब उसमें एरो दूसरी डायरेक्शन में आ जाता। तो इसके लिए एरो कौन सी डायरेक्शन में लगाए, इसके लिए एक राइट हैंड थंब रूल बनाया गया, राइट हैंड थंब रूल। इस रूल का देखो कैसे अप्लाई करते हैं, अपना राइट हैंड लो और उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ लो। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको अपने राइट हैंड में पकड़ लो। और पकड़ इसको दो तरीके से सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, पर इस तरीके से होल्ड करो कि जो करंट की डायरेक्शन है और तुम्हारे राइट हैंड के थंब की डायरेक्शन है वो सेम रहे। जैसे इसको मैं ऐसे पकड़ूंगा तो करंट इस तरीके से पकड़ूंगा क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है, बट इसको मैं ऐसे नहीं पकड़ूंगा, इसको मैं होल्ड करूंगा इस तरीके से क्योंकि करंट नीचे को जा रहा है। तो जैसे मैंने इसको पकड़ा, उसके बाद अपनी फिंगर्स को रैप करो, अपनी फिंगर्स को लपेटो, तो फिंगर्स हमें बता देंगी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमें पता लग रही है कैसी है। यहां पर मैंने कंडक्टर को पकड़ा और फिंगर्स को लपेटा, फिंगर्स कैसी जा रही है, इस बोर्ड के अंदर को जा रही है और घूमकर फिर बाहर आ रही है, अंदर को जा रही है घूमकर बाहर आ रही है। सिमिलरली यहां पे अप्लाई करके देखते हैं, कंडक्टर को पकड़ा मैंने इस तरीके से पकड़ा कि थंब में करंट की डायरेक्शन में हो और फिंगर्स को लपेटा। जब फिंगर्स को लपेटा तो वो कैसे जा रही है, इस बोर्ड के अंदर को जा रही है बाहर को आ रही है, अंदर को जा रही है बाहर को आ रही है, इसलिए मैंने एरो यहां पे इस तरफ को लगाया और यहां एरो इस तरफ को लगाया। और किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है कैसे पता लगती है, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दो। तो देखो यहां पर हमें पैटर्न भी पता लग गया, राइट हैंड थंब रूल भी पता लग गया। राइट हैंड थंब रूल की हम स्टेटमेंट लिखेंगे, होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर सच दैट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, देन रैप द फिंगर्स, द डायरेक्शन ऑफ रैपिंग ऑफ फिंगर्स will tell us the direction of magnetic field। ठीक है, अब magnetic field यहाँ पे हम 3D का बहुत यूज होएगा, जब भी हम magnetic field की बात करेंगे 3D काफी यूज होएगा कि बोर्ड के अंदर जा रही है magnetic field line, सिर बाहर आ रही है, तो 3D अपने दिमाग में रखना है इसमें। अब यहाँ पे 3D की बात हुई तो मैं तुम्हें एक बता दूं, magnetic field मैंने कल तुम्हें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, और यहां मैं बी लिख देता हूं, बी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एरो आएगा, बी लिख देता हूं। अब यहां तो है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो बोर्ड के अंदर जा रही हो, मतलब बाहर से आ रही हो बोर्ड के अंदर जा रही हो, तो हम इसको कैसे ड्रा करेंगे। देखो जब बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हो, जो मेरा ये बोर्ड है, तो उसको हम क्रॉस यहां पर बना देंगे, ये रही क्रॉस। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, और अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोर्ड के अंदर से बाहर की तरफ को आ रही हैं सीधा बोर्ड के अंदर, तो हम उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो तुम ऐसे याद कर लो, एक एरो देख लो, ये एरो जो होता है वो इस तरह का होता है, इसके आगे से इस तरह पीछे क्रॉस होता है। जब ये एरो अंदर जा रहा है
मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो समझो ये एरो अंदर जा रहा है। तो जब एरो अंदर जा रहा है, सामने से हम क्या देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, पीछे से ये क्रॉस दिखेगा, इसलिए क्रॉस ड्रा कर लो। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है, समझो ये एरो बाहर आ रहा है, एरो बाहर आएगा तो हमें सामने से क्या दिखेगा, ये क्रॉस नहीं दिखेगा, ये आगे वाला डॉट दिखेगा, तो इसलिए डॉट ड्रा कर लो। तो इस तरीके से तुम याद रख सकते हो। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम्हें क्वेश्चन आए, ड्रा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दीज टू पॉइंट्स एम एंड एन। एम और एन दो पॉइंट्स है यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ ड्रा करके। तो ये करंट कैरी कंडक्टर है, अब देखो हमें पता है राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल थंब रखेंगे और फिंगर रैप करेंगे, मतलब सर्कल्स बनेंगे, सर्कल इसमें से जाएंगे अंदर जाएंगे बोर्ड के बाहर आएंगे, अंदर जाएंगे बाहर आएंगे। जब ये दोनों पॉइंट्स पे जाएंगे तब भी तो यही होएगा कि सर्कल इसके अंदर गया, अंदर से घूम के इधर आया, यहां बाहर गया, इधर आया बाहर गया। तो किसी पॉइंट पे अगर हमें डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो हम क्या करते हैं टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो जब सर्कल ऐसे जा रहा है, मतलब नॉर्थ और हाइपोथेटिकली नॉर्थ पोल ऐसे घूम रहा है, यहां से बाहर आ रहा है, इधर अंदर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है, इसके फिर अंदर जा रहा है, घूम के आ रहा है, एम से फिर बाहर आ रहा है। तो एम से देखो जब बाहर आएगा तो बाहर आके यहां पे हम एकदम मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे तो कैसे बताएंगे, टेंजेंट ड्रा कर देंगे उसी सर्कल पे। टेंजेंट का मतलब वो टेंजेंट होएगा एकदम बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड हम ड्रा करते हैं उसको हम डॉट बना देते हैं। तो यहां मैं डॉट बना दूंगा, समझे। ये देखो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जहां तो ऐसे सर्कल में रही है, जब यहां पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे बतानी है। यहां पहुंची लाइन, इस पे टेंजेंट ड्रा कर देंगे। तो यहां पे जब टेंजेंट ड्रा करेंगे वो टेंजेंट कहां आएगा, बिल्कुल इसके बोर्ड के अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें दिखानी होती है उसको हम दिखाते हैं क्रॉस से, तो इसलिए यहां क्रॉस लगा देंगे, समझ आया। या फिर हाइपोथेटिकली नॉर्थ पोल का भी मैंने तुम्हें बता रखा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड हमें पता लग गया ऐसे सर्कुलर की फॉर्म में बनेगी, तो हाइपोथेटिकली नॉर्थ पोल सर्कल में घूम रहा है, जैसे ही यहां पहुंचा हमें मैग्नेटिक फील्ड बंद कर दी, वो क्या टेंजेंट की तरफ आएगा बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे ड्रा करते हैं, डॉट लगा के, अभी मैंने पिछले टॉपिक में बताया। सिमिलरली हाइपोथेटिकली नॉर्थ पोल जब घूमता घूमता यहां पहुंचेगा, इस तरफ को घूम रहा है, तो हमें एकदम मैग्नेटिक फील्ड बंद कर दे तो क्या ये घूमते घूमते एकदम सीधा अंदर को जाएगा, अंदर को मैग्नेटिक फील्ड होगी और अंदर वाले को हम क्रॉस से हम डिनोट करते हैं। इस तरीके से तुम कोई भी क्वेश्चन अब कर सकते हो स्ट्रेट कंडक्टर का। अब यहां स्ट्रेट कंडक्टर तो हो गया, अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल, सर्कुलर कोयल। अब देखो यहां पे अगर कोई वायर है, स्टेट कंडक्टर है, इसमें करंट आई जा रहा है, अब मैंने इसी ही वायर को पकड़ा और इसको घुमा के एक बैंड करके एक सर्कल बना दिया, तो वो सर्कल सपोज इस तरह का बना, ये देखो जो मैग्नेट, इसको जब मैं बैंड कर दिया, बैंड करके सर्कल बना दिया, एक सर्कल की फॉर्म में बना दिया, करंट इसमें ऐसे जा रहा है, यहां पे करंट घूम के इस तरफ को आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, कैसा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न चेंज होएगा, देखो हमें स्ट्रेट कंडक्टर के लिए तो पता है हमें राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। तो देखो सपोज कर लो जब ये यहां पहुंचा, इस पॉइंट पे पहुंचा, यहां थोड़ा सा मान लो कि कंडक्टर हमारा स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट कंडक्टर वाला हम यहां रूल लगा लेंगे कि यहां से करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब
इधर जाने का मतलब क्या, बिल्कुल सीधा थोड़ा सा राइट हैंड को प्लेस करेंगे इस डायरेक्शन में और अपनी फिंगर्स को रैप करेंगे तो हमारे पास जो सर्कल्स किस तरीके के बनेंगे, इस तरीके के, देखो इस तरीके के, और इसकी रैप किस तरफ को, और यह फिंगर्स बाहर की तरफ को, तो इसलिए हम डायरेक्शन इस तरफ को दिखा देंगे। सिमिलरली ये करंट इधर जब जाएगा, यहां भी थोड़ा सा सपोज कर लो कि स्टेट कंडक्टर है हमारा स्टेट, तो स्टेट के लिए तो हमें पता है राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, थंब हम प्लेस करो राइट हैंड का करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स किस तरफ को रैप होगी, इस तरफ को, तो यहां पे फिर सर्कल्स बन जाएंगे, इस तरीके के सर्कल्स बन जाएंगे और डायरेक्शन होगी ये राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। और ये सर्कल्स जितना हम ये वायर से दूर जाते रहते हैं ये सर्कल्स बड़े होते रहते हैं, यहां से भी वायर से दूर जाते रहेंगे ये सर्कल्स बड़े होते रहते हैं, तो इसके जब दूर जाएंगे हमारा सर्कल और बड़ा हो जाएगा, इससे और दूर जाएंगे ये सर्कल और बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़े होते होते जब हम इसके सेंटर पे पहुंचते हैं तो ये जो सर्कल्स है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाती है, तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न सर्कुलर लूप में, समझ आ गए, इनकी किसी भी पॉइंट्स पे करेंगे वहां तो सर्कल्स बनेंगे लेकिन सेंटर में आके ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। अब यहां पर बुक्स में जो बना हुआ है उसमें ये डायरेक्शंस रिवर्स दिखाई हुई है ज्यादातर बुक्स में, बट दिस इज द एक्चुअल पैटर्न, समझ आ गया। अब हमें देखो तुम याद रखना दो, एक तो होता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, वो मैं तुम्हें पीछे समझा चुका हूं, एक होता है राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल का तो हम यूज करते हैं स्टेट कंडक्टर के लिए, सर्कुलर कंडक्टर में भी अगर राइट हैंड थंब रूल का यूज हो सकता है किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रा करने के लिए, बट अगर सर इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता लगनी हो कि उसकी डायरेक्शन क्या है तो राइट हैंड रूल यूज होता है। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या, अपने राइट हैंड को लो और उसको सर्कल जो हमारा सर्कुलर लूप में करंट जिस तरफ को फ्लो कर रहा है वहां पर उस तरफ को अपनी फिंगर्स रैप करो, या करंट इधर को फ्लो कर रहा है अपनी फिंगर्स को ऐसे रैप करो, तो जब फिंगर्स को ऐसे रैप करोगे तो थंब हमें बता देगा कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, समझा है? देखो मैं तुम्हें इसका डायग्राम एक और बना देता हूं, सपोज ये सर्कल है, यहां पे हम करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, किसी भी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बताना हो वो तो हम बताएंगे राइट हैंड थंब रूल पे, स्टेट कंडक्टर में भी ये होंगे, बट सेंटर में हमें बताना हो तो बताएंगे कैसे, ये देखो अपनी फिंगर्स को रैप करो राइट हैंड की करंट की डायरेक्शन में और थंब हमें बता देगा कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में किस डायरेक्शन में है, सेंटर पे किस तरफ को जा रही है, बाहर की तरफ को, इसलिए जो एक स्ट्रेट लाइन बनती है वो बोर्ड के अंदर से निकलेगी और बाहर की तरफ को जाएगी, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां डॉट लगा देंगे। सिमिलरली यही जो सर्कल है अगर इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा होता तो क्या होता, अब करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को रैप करो, थंब कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो इसके लाइन जोन सी इसके सेंटर पे स्ट्रेट हो जाती है वो किस तरफ को है, बोर्ड के बाहर से आ रही है और इसके अंदर को जा रही है बिल्कुल सीधी, तो सेंटर पे अब हम क्रॉस लगा देंगे। तो इस तरीके से दो तरह के रूल हो गए, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड रूल, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा तुम्हें और बता देता हूं मैं, इसी टॉपिक में, अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कोयल। अब ये सर्कुलर कोयल है,
ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो जिससे मैग्नेटिक फील्ड हमारी यहाँ उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी इसके सेंटर पे। देखो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे डिपेंड करेगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट की वैल्यू हमें पे डिपेंड करेगी कि उस कॉइल में करंट कितनी वैल्यू का फ्लो कर रहा है। तो पहला पॉइंट तुम यही लिख दोगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द लूप। सेकंड, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द लूप। मतलब रेडियस, अब रेडियस जितना ज्यादा होगा मतलब जितना बड़ा सर्कल होएगा उतनी ही स्ट्रेंथ कम होएगी, और जितने ही छोटे सर्कल्स होंगे अगर छोटा सर्कल होएगा उतनी ही स्ट्रेंथ ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड की उसके सेंटर पे। तो ये दोनों पॉइंट्स तो है ही है। और थर्ड पॉइंट होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब है जब हमने यहां पर एक ही वायर की जगह काफी सारी वायर्स यूज कर लें, यहां पे मैंने एक ही बनाई है, अगर दो या तीन काफी सारी हम वायर्स यूज कर लें तो क्या होगा, हर वायर पे सेम ही करंट अलग अलग, सेम आई करंट हर वायर में अलग अलग जाएगा, हर किसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में ऐड होता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में भी एन टाइम्स हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कितनी वायर्स यहां पर हो रखी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ये तीन फैक्टर्स है, और वैसे इसका एक्सप्रेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैं वो भी लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, ये इसका एक्सप्रेशन है बी इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाय आर। ये तो हो गया किसी एक टर्न की वजह से, अगर किसी लूप में एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो ये एन टाइम्स हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। तो ठीक है क्लास, आज के लिए इतना काफी है, इससे आगे का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।